नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, मेरे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे सोशल मीडिया का अकाउंट है जो कि यूट्यूब चैनल है। ये मेरा इंस्टाग्राम का है, आप देख सकते हैं, लव अमन 7428578969। ये मेरा फ़ोन नंबर के तहत मैंने काम किया है। ये मेरी वीडियोज़ है, कुछ मेरे फ़ोटोज़ है जो मैंने डाल के रखा है इंस्टाग्राम पर, मैं एक्टिव रहता हूँ दोस्तों। दूसरी मेरी फेसबुक की अकाउंट है, ये देख सकते हैं, ये भी है लव अमन 7428, आई लव अमन करके मेरी फेसबुक पेज भी चलती है, ग्रुप भी है। मैं तरह तरह के वीडियोस यूट्यूब पे डालता हूँ। मेरी यूट्यूब की चैनल आप ये है जो कि आप देख सकते हैं, पिछले 29 मिनट पहले मैंने कुछ वीडियो डाला है जो कि आप देख सकते हैं। पीएफ बहुत सारे संबंधित मैं वीडियो डालता हूँ। आज की टॉपिक है जो कि इम्प्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश है। इन दिस मैं आज वीडियो के तहत बात करने के लिए जा रहा हूं दोस्तों। ये मेरी चैनल है जिसको आप लव अमन LUVA लव अमन मेरा फ़ोन नंबर के द्वारा भी सर्च कर सकते हैं। मेरे इस नंबर पे पेटीएम वगैरह एक्टिवेटेड है 7428578। आप चाहे तो मेरे चैनल को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। आज की जो मेरी टॉपिक है दोस्तों वो है, मैं बता रहा हूँ, द गोल्डन एग। ये आप बहुत चीज सुने होंगे, ये द गोल्डन एग जिसकी बहुत चर्चित स्टोरी है, बहुत बच्चों में हमने सीखा है। आप इसके माध्यम से ये समझ सकते हैं। मैं हिंदी के द्वारा इनको पढ़ा रहा हूँ, सेंटेंस बाय सेंटेंस ट्रांसलेशन के द्वारा एक उचित मीनिंग के साथ आपको बताऊंगा। ये मैंने गूगल पे द गोल्डन एग डाला तो इस तरह की फोटोज बाहर मैंने देखा है। ऑलवेज देखिए किस तरह से द गोल्डन एग है, आप इस चीज़ को समझिए। अब मैं स्टोरी निकालता हूँ और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। ये मेरी वीडियोस है, मैं तरह तरह की वीडियोस डालता हूँ। ये मेरे फ़ोटोज़ है जो मैं क्लिक करता हूँ और बहुत तरह की फ़ोटोज़, फोटोग्राफी के तहत भी मैं वीडियोज़ बना के बताता हूँ आप कैसे गुड लुक्स के एक वीडियो फ़ोटो बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, आपको चाहे तो आप फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हैं मुझे। अब मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ ये मेरी वीडियो के तहत मैं दे रहा हूँ। देखिए मैंने दो पेज में करके रखा है ये द गोल्डन एग। इसका मतलब होता है अंडा जो सुनहरा हो या सोने के कलर का या सोने का ही हो। द गोल्डन एग, एक सोने का अंडा, उसको बोलते हैं द गोल्डन एग। अब देखिए दोस्तों मैं इस टॉपिक पे आके आपको ट्रांसलेशन बेस बाय ट्रांसलेशन बाय वन मैं बताऊंगा कि क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्टोरी है द गोल्डन एग, इस तरह की फ़ोटो आप देख सकते हैं ऑनलाइन के तहत जो कि मैंने आपको दिखा दी है। बहुत सारी आप ऑनलाइन फ़ोटो देख सकते हैं। अब मैं वंस अपॉन अ टाइम, एक बात की बात है, मतलब एक समय की बात है, इस तरह का वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, एक फार्मर हैड अ गूज दैट लेड वन गोल्डन एग एवरी डे। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है दोस्तों, इंग्लिश बहुत अच्छा सेंटेंस है जिससे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरी एक वीडियो आप देख सकते हैं वाई इंग्लिश, तो उसके तहत आप समझ सकते हैं। देखिए मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। ये देखिए ट्रांसलेशन के साथ और प्रोनंसिएशन, इसकी जो होता है प्रोनंसिएशन, इस तरह की एक पक्षी होती है गूज, जिसको बोलते हैं गूज। हम लोग शायद हिंदी में बत्तख बोलते हैं दोस्तों, आई थिंक सो, बट अलग अलग एरिया में, अलग अलग जियोग्राफी में इनके अलग अलग नाम होते हैं। गूज आई थिंक बत्तख ही बोलते हैं, ठीक है। तो वंस अपॉन ए टाइम अ फार्मर हैड अ गूज दैट लेड वन गोल्डन एग एवरी डे। एक समय की बात है, एक फार्मर के पास एक बत्तख रहता था जो कि हमेशा हर दिन एक सोने की अंडा देता था या देती थी। चाहे आप इस चीज को हेन ले लीजिए, मुर्गी ले लीजिए, कुछ तरह से आप ले लीजिए दोस्तों। बात है स्टोरी को समझना इन द वर्ड बाय वर्ड। द एग प्रोवाइडेड इनफ मनी फॉर द फार्मर एंड हिज वाइफ टू सपोर्ट देयर डेली नीड्स। मतलब क्या, अंडा, उसको जो अंडा बेच के द एग प्रोवाइडेड इनफ मनी, अंडा बेच के जो पैसा मिलता था या रुपया मिलता था, वो फार्मर किसान के लिए और उसकी पत्नी के लिए बहुत ही उपयोग, बहुत ही ज्यादा था, मतलब उसके खर्च से ज्यादा था।
सपोर्ट देयर डेली नीड्स, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी, रोजमर्रे की खर्चे, डेली नीड्स, रोज की जिंदगी में जो खर्च हुआ हुआ चीज है, रोज की जरूरत, डेली मतलब रोज, नीड्स की मतलब होता है जरूरत, सपोर्ट का मतलब सहायता करना, उस पैसे से इतना हो जाता था कि उस दोनों की जरूरत पूरा हो जाता था। द फार्मर एंड हिज वाइफ कंटिन्यूड टू बी हैप्पी फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब फार्मर एंड इसका बीवी बहुत बहुत खुश था अपने अच्छे जिंदगी को और लंबे समय तक खुश था, लॉन्ग टाइम। बट वन डे, एक दिन, द फार्मर थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने मन में सोचा, एक दिन फार्मर ने अपने मन में सोचा, बट वन डे द फार्मर थॉट टू हिमसेल्फ, व्हाई शुड वी टेक जस्ट वन एग अ डे, क्यों एक ही एक 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 अंडा रोज क्यों मिलना चाहिए, क्यों ना ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा सोचा। व्हाई शुड वी टेक जस्ट वन एग अ डे, सिर्फ एक अंडा ही एक दिन में क्यों मिले, क्यों ना दस अंडा मिले, इसका तात्पर्य यही यही है। व्हाई शुड वी टेक जस्ट वन एग अ डे, क्वेश्चन मार्क है। देखिए दोस्तों, मैं एक टॉपिक पे बनाऊंगा जिसपे मैं आपको वाई के बारे में सिखाऊंगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन के बारे में, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन एस। तो इसके तहत आप बहुत सारे सवालात कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द स्टोरी, व्हाई शुड वी टेक जस्ट वन एग अ डे, व्हाई कांट वी टेक देम ऑल एट वंस एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी। देखिए फिर एक क्वेश्चन है, दो सवाल है यहाँ पे, व्हाई व्हाई दो सवाल है, व्हाई व्हाई। पहला सवाल है कि हम एक ही अंडा को रोज क्यों लेंगे और क्यों ना सारा अंडा एक ही बार निकाल ले, वंस वंस, एंड बहुत सारा पैसा ले ले, मेक लॉट ऑफ मनी एंड मेक लॉट ऑफ मनी। व्हाई शुड वी टेक जस्ट वन एग अ डे एंड व्हाई कांट वी टेक देम ऑल एट वंस एंड मेक लॉट ऑफ मनी, क्यों ना हम क्यों हमें एक एक अंडा एक रो एक सुनहरा अंडा रोज मिले, क्यों ना हम ज्यादा मिले, और क्यों ना एक ही साथ हम सब निकाल के उन्हें बेच दे, इसका तात्पर्य यह है। नेक्स्ट लाइन, द फार्मर टोल्ड हिज वाइफ हिज आइडिया एंड शी फूलिशली अग्रीड। देखिए क्या है इसका मतलब दोस्तों, उसने अपनी पत्नी को यह चीज बताया कि सुनो हम क्या करें, एक हम लोगों को सिर्फ एक अंडा रोज मिलता है, वो सही नहीं है, क्यों ना हम सारे अंडे एक ही दिन निकाल ले और उससे बहुत सारा पैसा बना ले। ये बात उसने किसको कहा, अपनी पत्नी को कहा, और सी फूलिशली अग्रीड, मतलब क्या, उसने भी बेवकूफ की तरह फूलिशली, पहले बोलता है फूलिश, फूलिश का मतलब होता है बेवकूफ, ठीक है। और इसकी पहले समझिए दोस्तों, तो ये देखिए, फूलिशली मूर्खतापूर्वक, पहले मूर्ख फिर मूर्खतापूर्वक, आई फूलिशली अग्री टू लेंड हिम मनी, मैंने उसको भी मतलब का पैसा दे दिया, टू लेंड हिम मनी। देख लीजिए, तो दोस्तों कमिंग टू द स्टोरी पॉइंट अगेन, देखिए, देन द नेक्स्ट डे, उसके समझने के बाद, उसके सहमति भरना, अग्रीड का मतलब क्या, सहमति भरना। देन द नेक्स्ट डे एज द गूस लेट द इट्स गोल्डन एग, जैसे ही दूसरा दिन बत्तख ने अंडा दिया, कौन सा अंडा, सोने का अंडा, द फार्मर वॉज क्विक विद द शार्प नाइफ, मतलब क्या, वो उसको काट दिया, पेट में घोंप दिया, पेट में छुरा मार दिया, ही किल द गूस एंड कट इट्स स्टमक ओपन। जैसे ही बत्तख अंडा दे रहा था, उसने उसके पेट में छुरा भाग दिया और उसको मार दिया, उसके पेट को मार दिया और खोल दिया। इन द होप होप्स, देखिए होप का बदले बदले होप्स होता है, मतलब क्या, भरोसा से, किस भरोसे से उसने मार दिया, होप्स ऑफ फाइंडिंग ऑल इट्स गोल्डन एग्स, उसने इस भरोसे से उसको पेट में छुरा मार के चीर दिया जब वो अंडा दे रहा था, कि मुझे
और सारे अंडे मिलेंगे, ऑल इट्स गोल्डन एग। बट एज ही ओपेंड द स्टमक, मतलब जैसे ही उसने पेट को खोला, स्टमक का मतलब क्या होता है, पेट, आपका पेट, स्टमक, STOMACH, द ओनली थिंग ही फाउंड वॉज गट्स एंड ब्लड। क्या समझा? ये प्रोवर्ब्स है दोस्तों, दो वर्ड, देखिए समझिए इस चीज को। अब हम लोग स्टोरी के एंड में आ रहे हैं दोस्तों, दूसरा मीनिंग समझेंगे। तो कुछ और आ गया दोस्तों, मैं सही मीनिंग दे रहा हूं। तो आपको फिर से मैं स्टोरी पे लेके चलता हूं, और अब मैं खुद से मीनिंग समझा रहा हूं। टाइम ओके, थिंग ही फाउंड वॉज स्टमक, मतलब उसने क्या वहां पे मिला, वहां पे उसको खाली खून के सिवा और उसके पेट में जो अतरी था उसके सिवा कुछ नहीं मिला। यहाँ पे इसका मीनिंग ये होता है, बट एज ही ओपन द स्टमक द ओनली थिंग ही फाउंड वॉज गट्स एंड ब्लड, मतलब उसका पेट और उसका अतरी ब्लड ही मिला और कुछ नहीं मिला। द फार्मर क्विकली, तब फार्मर को क्विकली मतलब तुरंत, क्विकली का मतलब पहले होता है क्विक फिर होता है क्विकली, द फार्मर क्विकली रियलाइज्ड हिज फूलिश मिस्टेक। क्या किया उसको तुरंत ही समझ में आएगा कि मैंने बेवकूफी किया है। क्या किया है, मैंने बेवकूफी किया है, फूलिश मिस्टेक, मैंने बेवकूफ वाली गलती की थी। एंड प्रोसीडेड टू क्राई ओवर हिज लॉस्ट रिसोर्स, उसने क्या किया, रोना शुरू कर दिया। किस बात के लिए, लॉस्ट रिसोर्स मतलब अपने खोए हुए हुए संपत्ति के लिए। रिसोर्स का मतलब होता है संपत्ति, जो चीज उसके पास था, लॉस्ट रिसोर्स। एज द डेज वेंट ऑन द फार्मर एंड हिज वाइफ बिकेम पुअरर एंड पुअरर, दोस्तों जैसे ही दिन बीतता गया वो क्या हुआ, गरीब से गरीब होता गया। ही जिंग्ड, ये नया वर्ड है दोस्तों, देखिए समझिए इस चीज को। उसने क्या सोचा, हाउ फूलिश दे वेर, फिर उसने सोचा मैं कितना ही गलत सोच रहा था, मेरा सोच कितना गलत था कि मैं उसको चीर दिया ना कि इंतजार किया। देखिए दोस्तों इसका मीनिंग होता है जिंग्ड, अभागा अभी सप्त, आफ्टर माई थर्ड एक्सीडेंट इन माउथ मंथ आई बिगेन टू थिंक आई वॉज जिंक्स्ड, आफ्टर माई थर्ड एक्सीडेंट इन अ मंथ आई बिगेन टू थिंक आई वॉज जिंक्स्ड। जिंक्स्ड देखिए पढ़िए, एग्जेक्टिव है दोस्त, जिंक्स्ड जिंक्स्ड देखिए, जिंक्स जिंक्स्ड, अभागा अभिशप्त, मतलब दो तीन बार एक ही इंसिडेंट हो गया तो उसको क्या सोचता, मैं अभागा था यार, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं क्या करूं। तो आदमी अपने आप को कमजोर समझने लग जाता है उस समय में, उसको बोलते हैं जिंक्स्ड। देखिए दोस्तों तो हाउ जिंक्स्ड एंड मैं कितना अभागा और बेवकूफ था, देवेर। तो मोरल क्या करता है दोस्तों, मोरल मतलब क्या, मोरल का मतलब कुछ सीख, समझ दे समझदारी। इस चीज से हम क्या सीखते हैं, इस चीज से पहले मोरल का फिर से मीनिंग समझेंगे। मोरल का मतलब होता है उचित अनुचित में संबंध जानना, नैतिक और अनैतिक में फर्क समझना। तो हम लोग स्टोरी पे आएंगे, नेवर एक्ट बिफोर यू थिंक, मतलब क्या, आप बिना सोचे समझे काम मत करें। नेवर एक्ट बिफोर यू थिंक, नेवर एक्ट मतलब कभी किसी काम को बिना सोचे हुए मत करे, 100 बार सोच ले उसकी प्रोस एंड कॉन्स। उसको क्या बोलते हैं, प्रोस एंड कॉन्स, मतलब समझिए दोस्तों प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस एंड कॉन्स। देखिए प्रोस एंड कॉन्स का मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब उच्चता एंड गिरता, मतलब कोई चीज का बहुत बेनिफिट्स एंड नॉन बेनिफिट्स, एडवांटेजेस एंड नॉन एडवांटेजेस, उसकी उपयोग एंड नॉन उपयोगी चीजें, क्या उसका उपयोग में आने वाला है और कौन सा चीज उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, बेनिफिट्स एंड नॉन बेनिफिट्स। दोस्तों इसके साथ मैं अपने स्टोरी को एंड करता हूं, और आप मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करेंगे, मेरे सोशल मीडिया लिंक्स दिए हुए हैं चैनल पे, आप क्या कुछ सवाल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू सब्सक्राइब माय चैनल, इस तरह के स्टोरी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, नमस्कार,
मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।